अजीब शख्स था, मुसाफिर था, शायद पिछले कुछ दिनों से मस्जिद में रह रहा था। सुना था मौलवी साहब का भांजा है, मौलवी साहब का मेहमान सर आंखों पर रोजाना कोई ना कोई खाना दे जाता, मगर मेरी इबादत में खलल पड़ता। मैं अक्सर रात नमाज के बाद मस्जिद में ठहर जाया करता। जब से मुनीर अहमद की माँ गुजरी, दिल उदास सा हो गया था, मगर उस मुसाफिर ने बहुत तंग कर रखा था। रोजाना ऊंची आवाज में किसी से बातें करने लगता। तू जान है मेरी, फिक्र क्यों करती है, जल्दी आऊंगा। अच्छा अब सो जा मेरी जान, नहीं अच्छा देख तेरे लिए गजरे लाऊंगा और चूड़ियां भी। थोड़ी देर बाद फिर घंटी बजती और वही आशिकी मौशूकी शुरू हो जाती। रोती क्यों है, मुसाफिर की आवाज नम हो जाती। फिर जल्दी से जेब से चूड़ियां निकालकर खनखनाने लगता। देख तेरी पसंद की चूड़ियां लाया हूं, मोहब्बत का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। फिर लहजा बदल जाता, शुक्र लहजा नमकीन हो जाता। मासी अमानत है तेरे पास, ख्याल रखना इसका, सर में तेल डाल दे नींद आ जाएगी, टांगे दबा दे थक गई होगी, सुबह से कई चक्कर बूहे के मारे होंगे, राह तकती होगी, मेरे बगैर रहती कहाँ है पगली, काम की मजबूरी ना होती तो कभी अकेला छोड़ कर ना आता। मैंने दिल ही दिल में कोसा, जाने कब जाएगा। मैं तस्बीह करते करते भूलने लगता, फिर से गिनना शुरू कर देता। घंटी फिर से बजने लगती। मौलवी साहब का ख्याल ना होता तो मैं उस मुसाफिर को ठीक ठाक सुनाता। हर रोज दो तीन दफा फोन का ये सिलसिला चलता रहा, मगर आज तो हद हो गई। पांचवीं बार फोन आया था, मासी ने मुझे तेरी शिकायत लगाई है, तूने फिर से खाना नहीं खाया, मैं नाराज हो जाऊंगा, चल नहीं बोलता मैं तेरे से, फोन बंद हो जाता। कुछ देर बाद फिर घंटी बजती और फिर वही तरले मिन्नतें शुरू। मैं फिर तस्बीह भूल गया। अच्छा अगर तू खाना नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, चल मेरी जान खाना खा ले। देख रोटी और माश की भुनी दाल बनाई है मासी ने, तुझे पसंद है ना माश की दाल, और रोटी मेरे मुंह में पानी भराया। ला हौला वला कुव्वता कहकर मैंने फिर से तस्बीह शुरू की, मगर आज हद हो गई। फोन की घंटी फिर बजने लगी, वो बात करने लगा। सो गई है शुक्र अल्लाह का, मच्छर बहुत है ना, लाइट चली जाए तो पक्की चलती रहना, गर्मी से फौरन उठ जाती है, फिर सारी रात जागेगी। दूसरी तरफ से शायद तसल्ली दी गई थी, फोन बंद हो गया और मैं शुरू। तुम्हें शर्म नहीं आती, सुकून बर्बाद कर रखा है तुमने मेरा, पांच दफा फोन किया तुमने आज, मौलवी साहब के मेहमान ना होते तो मैं तुम्हें बताता। मैंने उससे अच्छी खासी सुना डाली, बार बार गिनता हूँ बार बार भूल जाता हूँ, जाने कितनी बार गिना था, 12 या 15, अच्छा 5 दफा मुझे पता ही नहीं चला। वो बोला, आप गिन रहे थे, उसने थैला कंधे पर डालते हुए कहा। आपको तंग किया, 3 बजे वाली बस पकड़नी है, बुजुर्गों माफी चाहता हूँ। गहरी रात में भी उसके नैन कटोरे चमक रहे थे, कांच के बने थे शायद, उसके आंसू रुखसारों पर टपक रहे थे। क्या करूं बुजुर्गो, वही तो है मेरी कुल कायनात, मेरी माँ है वो जिससे मैं फोन पर बात किया करता था। बुजुर्गो मेरी माँ पगली है, बीमार है, झली है, ऊंचा सुनती है, भूल जाती है, ये कहकर वो चल पड़ा। माँ, अभी मैं ये वार सह नहीं पाया था कि जाते जाते वो मुड़ा और उसने बड़ी अजीब बात कही, यार को याद करना और गिन गिन कर, ये कैसी आशिकी है बुजुर्गो। वो चला गया मेरी गिनती छीन कर अपने साथ ले गया।